सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉ मोशन में। किसी भी स्ट्रिंग में जो मासेस होते हैं तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलिए तो बात करते हैं आज हम लोग कि ऐसा स्ट्रिंग जिसमें क्या हो बच्चों, वो आइडियल स्ट्रिंग ना हो, मतलब वहाँ पे या कह सकते हो लाइट स्ट्रिंग ना हो, वहाँ पे क्या होता है कि मास है। मैं बोलता हूँ ये एक स्ट्रिंग है बच्चों, ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है एंड मास M है, ठीक है। तो ये बात हम करने वाले हैं, क्या क्या ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है एंड मास M है, और इस पे अगर मैं फोर्स F लगा देता हूँ बच्चों, ये फोर्स F लगा देता हूँ, तो अपने को क्या करना है कि यहाँ से ये पॉइंट में लेता हूँ X, यहाँ से मैं पॉइंट लेता हूँ X, इस पॉइंट P पे अपने को निकालना है टेंशन की वैल्यू। तो बच्चों जब मैं कहता था कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब मासलेस है, जिसमें मास नहीं है, तो मैं बोलता था कि हर जगह पे जो हमारी स्ट्रिंग में हर जगह पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मास है, उसमें मास नहीं होता था, यहाँ पे मास है, ठीक है। वहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग थी जहाँ पे हर जगह पे क्या होता टेंशन सेम होता था और हम लोग मासलेस बोलते थे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये लाइट स्ट्रिंग नहीं है, इसके मास है, इसका लेंथ दे रखा है। तो अब इस केसेस में क्या होगा बच्चा कि हर जगह पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, वो बदलता जाएगा, वो लेंथ के अकॉर्डिंग जो टेंशन होगा वो क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चों। होप दैट आप सीखोगे इसको। देखो बच्चों क्या है, ये एल लेंथ का इसको समझो जरा, ये एक्स है ना, तो ये क्या होगा, ये कितना होगा बच्चों, एल माइनस एक्स होगा, ठीक है। चलो ये बातें अपने को समझ में आया। अब मैं जरा दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ये इसके लिए, ये L माइनस एक्स के लिए, ये लेंथ जो है L माइनस एक्स है, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो T है, यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट जो मैंने कट करा, ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट क्या है, इसका लेंथ कितना है वो X है, फोर्स कितना लग रहा है F, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा बच्चों वो क्या होगा, हमने बताया था कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे तो टेंशन सेम होगा, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। चलो तो ये L माइनस एक्स है, यहाँ पे X है, ठीक है। तो अब मास अपने को निकालना है, क्योंकि लेंथ दे रखा है क्या, L लेंथ का मास कितना दिया है M। जरा देखो बच्चों, मास ही निकालने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, मास ही नहीं निकाल पाते, जबकि ये क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई करना है। जैसे देखो L लेंथ का मास M है, तो वन लेंथ का मास कितना होगा, M बाई L, तो X लेंथ का मास कितना होगा, X लेंथ का मास कितना हो जाएगा, M बाई L इंटू X, है कि नहीं, यही तो लगाना है। इसको रुक जाओ बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा इधर समझते हैं, क्योंकि ये इसका जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये यही है, इसको लगाने आ गया तो आप चीज़ें सीख जाओगे। मैंने कहा बच्चों कि L लेंथ का मास M है, ओके, तो वन लेंथ का मास कितना हो जाएगा, M बाई L हो जाएगा, कहो हाँ, M बाई L होगा कि नहीं होगा। एंड X लेंथ का मास कितना हो जाएगा, X लेंथ का मास हो जाएगा बच्चों M बाई L इंटू X, है कि नहीं। और अगर आपसे पूछा है कि L माइनस X का मास कितना होगा, ये मास निकल के आ रहा है, ये मास है बच्चों, ये मास है, और आपसे पूछा है X माइनस L, सॉरी L माइनस X होगा ना, L माइनस X का मास कितना होगा, तो L माइनस X का मास कैसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा M बाई L, और कितना L माइनस X, तो ये मास होगा किसका, L माइनस X का, और ये मास होगा कितना, M बाई L इंटू X, वो कितना X डिस्टेंस था। तो इसका मैं लिख दूँ, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा बच्चों M बाई L, और कितना L माइनस X, इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M बाई L इंटू कितना X, ओके। चलो ये दो चीज़ें हम लोगों ने सीखा। अब एक बात देखो बच्चों, ये पूरा सिस्टम एक है, F से जा रहा है, F फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी F बाई कैपिटल M, यही तो आएगा भाई, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे उतने ही एक्सेलरेशन से ये भी जा रहा होगा, ये भी इधर की तरफ जा रहा होगा, कितने से, ए इक्वल टू कितना, एफ बाई एम से, एंड ये भी कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम लिखना बच्चों, ओके। और यहाँ पे भी क्या है, उतने ही एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, और इसकी वैल्यू भी क्या, कैपिटल एफ बाई एम। अब आपको टी पूछा है, यहाँ पे देखो फोर्स कितना है टी, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा सकता हूँ मैं, तो T इक्वल टू कितना आ गया, T इक्वल टू मास, मास कितना बच्चों इसका, M बाई L, और कितना L माइनस X, ये मास आया, ठीक है। ये टोटल कितना भाई, ये तो मास ही तो है इसका, इस लेंथ, ये जो स्ट्रिंग उसका मास है, इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या, F बाई M,
ओके एफ बाई कैपिटल एम, तो ये एम तो एम से कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना टी इज इक्वल टू कितना एफ और कितना एल माइनस एक्स बाई एल, या टी इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों क्या एफ और एल बाई एल वन माइनस एक्स बाई एल। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू आ गई। अब इस ब्लॉक को लेकर भी कर सकते हो, इस ब्लॉक को लेकर करना तो भी देखो क्या हो जाएगा बच्चों, इस ब्लॉक को लेकर करना है तो क्या ये इधर की तरफ जा रहा है, एफ बड़ा है टी से, तो मैं क्या लिखूंगा इस ब्लॉक को लेकर करो, तो एफ माइनस टी इक्वल टू कितना एम की वैल्यू कितना है यहाँ पे एम बाई एल इंटू एक्स, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू कितना ए, है ना, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एफ बाई एम, तो पुट करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा एम बाई एल एक्स और ये कितना एफ बाई एम, तो ये एम ने एम को मार दिया, बचा कितना, बचा बच्चों टी को इधर जाओ बाकी को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ एक्स बाई एल यही बचेगा इक्वल टू कितना उधर जाएगा टी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों फिर से एफ कॉमन करो, तो एफ कॉमन करो वन माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू कितना आ गया टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से भी टी की वैल्यू वही आ गई, मतलब ये समझ में आता है कि इस पॉइंट पे जो होगा टेंशन हो क्या होगा वो सेम होगा। अब चाहो तो बच्चों इस वाले ब्लॉक को लेके करो, चाहो तो इस वाले ब्लॉक को लेके करो, है ना, लेकिन इसका जो की पॉइंट है वो ये है कि इस ब्लॉक का चाहे इस स्ट्रिंग का अपने को क्या निकालना आना चाहिए, मास निकालना आना चाहिए, जो क्लास सिक्स मैथमेटिक्स से होता है बच्चों। मैंने कहा कि एल लेंथ का मास अगर एम है तो वन लेंथ का मास एम बाई एल है, और एक्स लेंथ का यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे निकालना, तो एक्स लेंथ का मास कितना हुआ एम बाई एल इंटू एक्स। ओके, जो क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स है, अगर तुम्हें एल माइनस एक्स ले निकालना तो एम बाई एल एल माइनस एक्स निकाल दो, वहाँ से आपको मास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मास निकल के आया है इन दोनों के लिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट करो बच्चों और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको मिल गया एफ वन माइनस एक्स बाई एल टेंशन की वैल्यू, ठीक है, चलो अगर नोट हो गया हो तो आगे अपन लोग बढ़ें, ठीक है, चलिए। तो अब जो है बच्चों, अब जो है मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक भी लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये मैं इसको हटा देता हूँ, स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक भी लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या परिवर्तन आते हैं, है ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन है कि नहीं। मैं कहता हूँ बच्चों देखो यहाँ पे, मैं कहता हूँ एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, ओके, और ये स्ट्रिंग है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बच्चों एफ। ये स्मॉल कैपिटल से डर तो नहीं जाते हो तुम, अगर डर जाते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे, डरना नहीं बच्चों, है ना, चाहो तो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो लेकिन डरना नहीं है, क्वेश्चन से बातें करते रहना है, अपने को तो चैलेंज एक्सेप्ट करना है, है ना, क्वेश्चन से बातें करते रहना बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन यहाँ पे निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ये स्मॉल एम या कैपिटल एम, क्वेश्चन वन में है कि ये पॉइंट पी पे अपने को टेंशन निकालना है, फाइंड टेंशन एट पहला पॉइंट पी, दूसरा जो है ये मीड पॉइंट है, या कह सकते हो यहाँ से ये इसका लेंथ एल और मास एम है, तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो एल बाई टू है, ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्यू पॉइंट है जो लेंथ कितने पे है एल बाई टू पे है, ठीक है। तो आपको निकालना है पॉइंट पी पे टेंशन की वैल्यू, और पॉइंट ये क्यू है, ये पॉइंट क्यू है बच्चों, इस पॉइंट क्यू पे आपको निकालना है, इसका मास एम है, इसको मैं क्यू की हाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट क्यू पे निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है आपको टेंशन की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों ब्लॉक पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बच्चों एफ इक्वल टू होता है टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, या आप ए से डायरेक्ट लिख सकते हो ड्राइविंग फोर्स बाई टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो ये एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब जितने से ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा होगा इधर की तरफ एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, उतने से ये भी हो रहा होगा, ठीक है, एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब जरा इन दोनों का एफ बी डी एम ड्रॉ करें,
एबीडी ड्रा करें पहले इसका। तो एबीडी ड्रा करो बच्चों, तो क्या होगा, ये हमारा कैपिटल एम का है, ये हमारा कैपिटल एम का एबीडी मैंने ड्रा करा, और ये हमारा जो है स्ट्रिंग का है, जो ब्लॉक का, और ये हमारा स्ट्रिंग का जिसका मास कितना दे रखा है, इस लेंथ एल और मास स्मॉल एल। यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे टेंशन लगेगा, चूँकि दोनों पॉइंट सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट पे, उस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। उस पॉइंट पे जो होगा बच्चों वो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। जबकि हम लोग बात करते थे आइडियल स्ट्रिंग की, तो आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता था, आइडियल स्ट्रिंग में क्या होता था बच्चों, आइडियल स्ट्रिंग में मासलेस हम बोलते थे, और जब मासलेस बोलते थे स्ट्रिंग को, तो हर पॉइंट पे जो होता था हमारा टेंशन सेम होता था। एक स्ट्रिंग में हम बोलते थे टेंशन टी है हर जगह, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों लाइट स्ट्रिंग नहीं है, मतलब कह सकते हो कि आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, मतलब मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, मतलब हर जगह मास उसकी जो है तो मास के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ मास वैरी कर रहा है, हम लोग देखे हैं भी पिछले क्वेश्चन में। तो हर पॉइंट पे जो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे जो डिस्टेंस चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसका टेंशन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उस पॉइंट में मैं कह सकता हूँ कि जो टेंशन होगा वो सेम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पी पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे लगेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे लगेगा। तो मुझे अच्छा यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, मुझे निकालना है टेंशन। मैं तो चाहूँ इसको भी यूज करके निकाल सकता हूँ, इसको भी यूज करके निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको यूज करके निकालना आसान है, क्योंकि देखो इस पे एक ही ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ड्राइविंग फोर्स टी इक्वल टू कितना, मास कितना बच्चों, एम इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, ये कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे टेंशन की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी की वैल्यू, यहाँ पे कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई कैपिटल एम इंटू एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई। किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इस वाले को करके आप यूज करके बताओ जरा क्या होगा, इस वाले के लिए यूज करके बताओ क्या होगा, इस वाले को भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो इस वाले को अगर मैं करूँ तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन तो वही होगा, तो यहाँ पे अगर टेंशन निकालूँ तो इधर एक फोर्स लग रहा है एफ, इधर फोर्स लग रहा है टी, तो एफ वाला ज्यादा होगा टी से, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स का वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है सॉरी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ क्या कि एफ माइनस टी इक्वल टू मास स्मॉल एम इंटू ए, ए की वैल्यू कितना है कैपिटल एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ए तो है, और यहाँ से अपने को टी निकालना है, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों एफ माइनस टी इक्वल टू कितना एम एफ बाई कैपिटल एम, और सॉरी ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, इन सबको मैं इधर लाऊं, है ना, इसको मैं उधर ले जाऊं, तो f माइनस स्मॉल m कैपिटल f बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m इक्वल टू कितना t, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं इधर लाया तो ये माइनस है, इधर गया तो प्लस। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा f m प्लस f स्मॉल m माइनस m f बाई क्या कैपिटल m स्मॉल m इक्वल टू t, ये कट गया, बचा कितना t की वैल्यू f एम कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ओके। तो देखो टी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन आप इससे करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। तो इस पॉइंट पी पे तो हम लोगों ने टेंशन की वैल्यू निकाल ली, अब अपने को क्या करना है, अब पॉइंट क्यू पे निकालना है, जल्दी से आप नोट करो, फिर हम पॉइंट क्यू पे टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। नोट करिए, दोनों तरीके हैं, दोनों ब्लॉक को लेकर के आप क्वेश्चन कर सकते हो। नोट करो बच्चों, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि कैसे हो रहा है। चलिए चलो नोट करो, योगेश धनकर नोट करो बच्चे। ओके, रोमा पासवान, योगेश धनकर नोट करो, सिद्धार्थ धर्मेंद्र सुमन, ओके चलो नोट करो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो नोट हो गया ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये अपने को मिल गया। अब हम लोग पॉइंट क्यू पे निकालना है कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है। पॉइंट क्यू के लिए जरा देखते हैं बच्चों कि पॉइंट क्यू पे क्या होगा टेंशन की वैल्यू। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने पा लिया,
अब जरा क्यू पे देखते हैं क्या होगा। क्यू एल बाई टू डिस्टेंस पे है, मैंने बोला कि क्यू जो है वो एल बाई टू डिस्टेंस पे है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे भाई एल बाई टू के लिए। इसका एफ बी डी बनाएं, सबसे पहले एफ बी डी ड्रा करें, इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, एफ बी डी ड्रा करते हैं ठीक है। अब मैं बात करूँगा इस क्यू की, तो इस क्यू से हम लोग ऐसे ब्रेक कर लें, एफ बी डी ड्रा करें, तो देखिए हमें क्या मिलता है। ये हमारा कैपिटल एम ओके, और यहाँ पे ये पॉइंट, और यहाँ पे जो टेंशन होगा बच्चों वो क्या होगा टी होगा। यहाँ पे रिमेनिंग स्ट्रिंग को अगर हम लोग एफ बी डी ड्रा करें तो ये हमारा एफ, और इधर कितना बच्चों वो टी होगा। इस पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो आइडियल स्ट्रिंग हो, आइडियल स्ट्रिंग में तो हर जगह टेंशन सेम होता है, बट जिसमें मास दिया हो, ऐसा स्ट्रिंग जिसमें मास दिया हो, तो मास में भी उस पॉइंट पे जो होगा हमारा क्या होगा टेंशन सेम होगा, क्योंकि टेंशन जो होगा इसमें डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करेगा, तो बट इस पॉइंट पे क्या होगा टेंशन सेम होगा। अब मैं कहता हूँ कि ये एल बाई टू है, ये मास दे रखा है, तो इसका मास अपने को निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो पहले की तरह ही रहेगा, एफ बाई कैपिटल एम स्मॉल एम, ये भी उतने से एक्सेलरेट करेगा, ए इज इक्वल टू एफ बाई कैपिटल एम एंड स्मॉल एम ओके। चलिए तो अब जरा हम लोग देखते हैं बच्चों, ये मास, इसका तो मास पता है, इसका मास जरा निकालें हम लोग, कैसे निकालेंगे देखो बच्चों, फिर से वही कहानी, एक राजा था और एक रानी ओके, एल लेंथ का मास कितना है बच्चों, कैप स्मॉल एम है, तो वन लेंथ का मास एम बाई कैपिटल एल है कि नहीं, यही तो। अब पूछा कितना एल बाई टू का, तो लिख लो, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन लिख लो एम बाई एल इंटू क्या एल बाई टू, यही ना भाई, एक्स था तो एक्स मल्टीप्लाई कर देते थे, एल बाई टू है तो एल बाई टू से मल्टीप्लाई करा, एल एल को भाज में करा, मास कितना आया स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम बाई टू, ये अपना मास आ गया है कि नहीं। तो ये अपने को समझ में आया कि इसका जो मास है अब कितना है m बाई टू है, और इसका भी मास कितना है बच्चों m बाई टू ठीक है। अब अपने को टेंशन निकालना है, तो चाहो तो तुम इससे निकालो, चाहो तो ऐसे निकालो, मैं इससे निकालना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे केवल केवल एक ही ड्राइविंग फोर्स है, और एक ड्राइविंग फोर्स क्या है वो है t, तो t इज इक्वल टू मास, मास कितना है टोटल मास कैपिटल m प्लस स्मॉल m बाई टू बाई टोटल मास, इसका कितना है इसका टोटल मास देखो कैपिटल m प्लस m बाई टू, तो m प्लस m बाई टू इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है भाई एक्सेलरेशन है एफ बाई कैपिटल m प्लस स्मॉल m, तो ये वैल्यू आ गई आपकी टेंशन की। यहाँ पे इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे f बाई क्या बाई टू, और क्या कैपिटल m प्लस स्मॉल m, तो ये हमारा टेंशन की वैल्यू आ गई। और यहाँ से भी आप टेंशन की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो, तो चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो, ये टेंशन की वैल्यू आ गई बच्चों ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए, नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं ओके। चलिए अगर ये नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, और एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, अच्छा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चों ओके, अब मैं कहता हूं कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों ये ठीक है, मैं कहता हूं यहां पे एक स्ट्रिंग है ठीक है, ये कुछ स्ट्रिंग है जिसका मास m है एंड लेंथ l है ओके, इसका मास m है एंड लेंथ l है, मैं पूछता हूँ यहाँ पे बताइए टेंशन कितना होगा, ये पॉइंट है वो टेंशन कितना है यहाँ पे वो मुझे आप बताइए ठीक है। तो बच्चों मैं इसको मान लेता हूँ ये x डिस्टेंस है यहाँ से है ना, तो चलिए करिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसका चाहो तो आप एफ बी डी बना लो ठीक है, और या फिर हम इसको x यहाँ से ना मान करके, मैं मानता हूँ ये इसका लेंथ l था तो यहाँ से ये x डिस्टेंस पे, चलिए सबसे पहले तो इसकी एफ बी डी ड्रॉ करिए, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे तो क्या पाएंगे आप, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये अपना जो है कुछ ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा और यहाँ पे जो है वो टेंशन कुछ ऊपर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन टेंशन दोनों सेम ही होगा है ना। चलो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा नेट ड्राइविंग फोर्स कौन देगा,
भाई इसका जो मास होगा इंटू जी बाई टोटल मास। लो अब ये तो कठिन काम हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई कठिन काम नहीं। अगर ये एक्स है तो ये इसका लेंथ कितना होगा, एल माइनस एक्स होगा। तो फिर से वही कहानी, क्या एल लेंथ का मास एम था, तो वन लेंथ का मास कितना एम बाई एल, और एल माइनस एक्स का मास कितना एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, है कि नहीं। यही तो हुआ मास। और इसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ड्राइविंग फोर्स दे देगा, है कि नहीं। तो ये हमारा मास आ गया, ये इतने का मास कितना आ गया, मास इतने का आ गया कितना एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। और अगर हम इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स। तो कितना आ जाएगा एम बाई एल एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स इंटू क्या जी बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, एम ने एम को भस्म कर दिया। बचा कितना बच्चों, एल माइनस एक्स बाई एल इंटू क्या जी। ओके, तो ये हमारा एसेलेरेशन आ गया, ठीक है। इतने से वो नीचे की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इतने से नीचे की तरफ जाएगा और ये कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं वन माइनस, इसको लिख सकते हैं बच्चों वन माइनस एक्स बाई एल, है ना। तो ये एसेलेरेशन आ गया। अब टेंशन निकालना है यहाँ पे। अच्छा अब देखो बच्चों, ये एल माइनस एक्स का मास था, एक्स का मास कितना हो जाएगा एल लेंथ का मास एम, वन लेंथ का मास एम बाई एल, तो एक्स लेंथ का मास कितना एम बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो ये मास निकल आया इसका कितना एम बाई एल इंटू एक्स, ये इसका मास है। और टेंशन दे रखा है तो मैं क्या लिखूंगा, टेंशन इज इक्वल टू मास, मास कितना है एम बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों वन माइनस एक्स बाई एल इंटू क्या जी, है कि नहीं। यही तो है वन माइनस एक्स बाई एल इंटू जी। तो ये जो आएगा बच्चों, ये आ गया आपका टेंशन, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, टेंशन की वैल्यू आ गई। तो मैंने यहाँ से एक्स लिया है तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा अंतर लग रहा है, आप यहाँ से एक्स लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी बात वही आएगी, ठीक है। चलो तो ये आ गया टेंशन की वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चाहो तो आप इसको लेके सॉल्व करो, चाहो तो आप इसको लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाक से नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब जरा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो एसेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है और हैंग भी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में कैसे टेंशन निकालते हैं, जरा वो भी देखते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो हमारा जिसे मास दिया रहता है। और चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे एक और स्ट्रिंग है जो 4 kg का है, और 8 meter का है, ओके। और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो 10 kg का है, चलो बच्चों 10 kg का है, और ये यहाँ पे हैंग कर रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है वो लाइट स्ट्रिंग है, ठीक है, मासलेस वायर है, एक तरह से कह सकते हैं ये मासलेस वायर है। तो यहाँ पे आपको निकालना है क्या टेंशन, ये मासलेस वायर है, ये हम बोल सकते हैं मासलेस वायर है, ठीक है। इसमें ये टेंशन है उसको टी आपको निकालना है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे टेंशन निकालना है, ये पॉइंट बी पे टेंशन निकालना है, ये पॉइंट सी पे टेंशन आपको निकालना है। ये बच्चों अगर आप NLM का पहला लेक्चर देखोगे या दूसरे लेक्चर में, मैंने टेंशन निकालना सिखाया था, बस वही फार्मूला यहाँ पे लगाना, बाकी कुछ करना ही नहीं। देखो बच्चों ये कहीं जा तो रहा नहीं है ना, ए एसेलेरेशन ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग भाई, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये T1 में बोल देता हूँ, यहाँ पे नाम T2 दे देता हूँ, और यहाँ पे जो नाम है, अच्छा चलो TA TB लिख देते हैं ना, यहाँ पे TA है, यहाँ पे जो टेंशन है वो TB है, यहाँ पे जो टेंशन है बच्चों TC, सी वाले पॉइंट पे, ओके। तो TC की सबसे पहले बात करें बच्चों, अगर यहाँ से मैं कट कर दूँ तो क्या इन पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नीचे वाला ही केवल नीचे जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, TC इक्वल टू क्या m इंटू जी, m की वैल्यू कितना है 10, g की वैल्यू 10, कितना आ गया 100 न्यूटन, ओके। अब मैं अगर बात करूँ TV की, तो TV पे रखो हाथ, इसके नीचे को कितने मासेज आ रहे हैं 4 + 10, तो यहाँ पे TV की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, TV इज इक्वल टू m इंटू जी, और m की जगह पे क्या m1 + m2 इंटू
जी। तो एम वन एन टू कितना भाई, 4 केजी और 10 केजी कितना हो गया, 14 जी, जी की वैल्यू 10, ओके तो कितना आ गया बच्चों 140 न्यूटन, है कि नहीं। टी ए की बात करें तो टी ए पर रखो, यहाँ पे देखो ये नीचे कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो टी ए इजकल टू क्या, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू क्या जी बच्चों, ये कहीं मूव नहीं कर, कोई एसलेट नहीं कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 + 4 + 10 इंटू जी की वैल्यू कितना 10, तो ये 10, 16 है, मतलब कितना 160 न्यूटन। तो ये आ गया टी ए की वैल्यू, ओके, और ये आ गया आपका टी वी की वैल्यू, और ये आ गया आपका टी सी की वैल्यू। तो टी ए टी वी टी सी यहाँ से निकल गया, ठीक है, इसको नोट करिए। और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दे दे कि ये आइसोलेट कर रही है, ये ऐसा दे दे कि 2 m/s ऊपर की तरफ जा रही है या 2 m/s से नीचे की तरफ आ रही है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करिए फटाक से, और फिर हम लोग उस तरह के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो टी ए टी बी टी सी निकाल लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। चलो नोट हो गया, नोट हो गया, चलिए तो नोट हो गया, तो हटा देते हैं इसको। और अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा दे दें कि ये जो है ये पूरा सिस्टम 2 m/s से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पूरा सिस्टम 2 m/s से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब हम लोग क्या लिखेंगे। देखो बच्चों टी सी से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, टी सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टी सी इक्वल टू एम और ऊपर की तरफ जाता है तो जी प्लस है, है कि नहीं, बोलो यही तो लिखते थे। तो टी सी की वैल्यू, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, या नीचे लिख लेते हैं, एम की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 2, तो कितना 120 न्यूटन, है कि नहीं, टी सी की वैल्यू निकल गई। अब टी वी निकालना तो क्या लिखेंगे, टी वी के लिए चलो टी वी लिखते हैं, टी वी इक्वल टू क्या, एम वन प्लस एम टू और कितना बच्चों जी प्लस ए, एम वन प्लस एम टू कितना 4 + 10 14 और जी की वैल्यू 10 + 2 यानी 12 140 इंटू 12 12 में से 44 बार दूना 24 तो 44 कितना हुआ 4 कर लो बच्चों, कैसे करोगे ये इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 10 + 2 कर लो, ये 140 हो गया प्लस 28 तो क्या हो गया बच्चों ये 8 हो गया, ये 168 न्यूटन, ठीक है। तो टी वी वैल्यू कितनी आ गई 168 न्यूटन आ गई। टी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये टी ए है तो टी ए की वैल्यू क्या लिखोगे, टी ए की वैल्यू भाई सबको जोड़ लें जितने भी मासेस हैं, ये 2 kg, 4 kg, 10 kg तो कितना आया 26 प्लस ये कितना 10 तो कितना हो गया 16 और जी 10 और एक वैल्यू 2 तो कितना आ गया 16 × 12 फिर से करो बच्चों वही कहानी, क्या करेंगे 16 ये 10 + 2 लिख लो यहाँ पे, है ना, तो ये कितना हो गया अरे यही कर लिया हो गया होता कितना 160 + 32 तो कितना आया 92 तो ये टी ए की वैल्यू आ गई कितनी 192 m/s², ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, ये टी ए की वैल्यू आ गई, टी बी की वैल्यू आ गई, टी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों नोट करिए, आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। चलो नोट हो गया हो तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, चलिए हटा दो, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब मैं कहता हूँ कि ये 2 m/s² से अगर नीचे की तरफ आ रहा तब क्या होगा, ये सेम स्ट्रिंग अगर 2 m/s² से नीचे की तरफ आ रहा है, 2 m/s² से नीचे की तरफ आ रहा है, तो टी ए टी बी टी सी की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या निकालोगे, देखो बच्चों टी सी टी वी एंड टी ए की वैल्यू निकालनी है, तो टी सी की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, टी सी इसके वैल्यू लिखूंगा कितना, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है एम और क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, है ना, तो मास की वैल्यू 10 जी की वैल्यू 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 80 न्यूटन, ठीक है। टी वी निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, टी वी इसके वैल्यू कितना, इन दोनों मास को जोड़ो कितना हो गया 14 और जी माइनस ए मतलब कितना 8 तो कितना हो गया ये 2, 3, 8, 2, 10, 11, 112 ओके भैया क्या हो गया एम वन प्लस एम टू जी माइनस ए, जी माइनस ए करेंगे 10 - 2 गया 8 हो गया, है ना 112 न्यूटन। अगर आपको टी ए पूछा है, टी ए इक्वल टू कितना, तीनों मासों को जोड़ लो, तीन मासे से हम 2 kg, 4 kg and 10 kg कितना 16 ओके 16 इंटू जी माइनस ए, जी माइनस ए मतलब 8 और कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे देखो
चार आठ चार बारह 128 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से फटाफट आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हो बच्चों, चाहो तो आप लगाओ भी, लेकिन मैं तो ट्रिक को ही फॉलो करूंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो नोट करो। अगर बच्चों फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पे आ रहे हो तो बाकी लेक्चर जरूर जाके देख लेना, ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले के जितने भी लेक्चर हैं हमारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, अगर फर्स्ट टाइम इस लेक्चर पे आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने भी ज्ञान लीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि ज्ञान बटे, सब तक पहुँचे, है ना। चलो, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए।